लाख के तरक्याती कामों का इख्तिताम मिलाया गया, जिसमें 26 लाख की लागत से एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन मदीना होटल के पास होते हुए दिल्ली दरवाज़ा मोती मस्जिद के पास उसका काम मुकम्मल हो गया 26 लाख का। वहीं पर वहीं दिल्ली दरवाजे में एक और एक सुरेश लाइन का 12 लाख की लागत का काम मुकम्मल हो चुका। दिल्ली दरवाजे में पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वहां पर भी पानी की लाइन डाली गई 6 लाख की, और फिलवत में आनंद बस्ती में सीवरेज की लाइन डाली गई जिसकी 12 लाख का काम मुकम्मल हो चुका, और पालम रोड कामाटीपुरा में एक सीवरेज लाइन डाली गई 55 लाख की लागत से ये काम भी मुकम्मल हो चुका। इसके मुद्दा आज किया हूँ मैं, और पालम रोड में BDCC सीमेंट CC रोड सीमेंट की रोड डाली गई 67 लाख की लागत थी। तो 11 करोड़ 15 लाख में से करीब 1 करोड़ 80 लाख के काम इसमें मुकम्मल हो चुके हैं, और जो काम का आज इफ्तिताह हुआ संगे बुनियाद डाला गया उसमें फिलवत में एक कन्वेंशन सेंटर करीब 6 करोड़ की लागत से उसके आज संगे बुनियाद डाला गया। वहीं पर फिलवत में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के पास एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन एक बड़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली जा रही है 1 करोड़ 50 लाख की लागत का, उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है। और वहीं पर एक नई सीवरेज लाइन पंचमोला से फिलवत हिम्मतपुरा वालगा होटल से उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ, वो काम भी इंशाल्लाह शुरू होगा जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। और फिर मदीना होटल से छत्ता बाजार कमान के पास एक सीवरेज लाइन का काम चल रहा है वो 22 लाख का है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में जिसमें बहादुरपुरा और चारमीनार असेंबली हल्फेजात में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इंतजाम लाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुकामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन का, अरकान असेंबली का, कि उनकी मेहनत जस्तजू और उनकी नुमाइंदगी की बिना पर आज उन कामों का इफ्तिताह हुआ और वो काम मुकम्मल भी हो चुके हैं। हमारी कोशिश यही है कि हल्के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, और इंशाअल्लाह ताला और बहुत से काम हैं करीब में उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। और मेरी कोशिश ये है वैसे थे उनके पार्लियामान के जो MP फंड मिलता है उसके ज़रिए से हम ना सिर्फ इन पानी की लाइन सीवरेज की लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग को मजबूत किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला सुल्तान शाही हाई स्कूल को भी मैं अपने MP फंड से वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत पुराना स्कूल है और स्कूल की जो इमारत जिसमें स्कूल काम कर रहा है काफ़ी मखदूश है, इंशाल्लाह उस पर भी हम तवज्जो लेकर काम करेंगे। और साथ ही साथ मक्का मस्जिद में जो इमाम और मौज़न के जो जायदादें खाली हैं उस सिलसिले में भी हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मक्का मस्जिद में इमाम और मौज़न का भी जल्द से जल्द तब किया जाएगा।